हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर सोसनी। और आज इस संडे, सो हैप्पी संडे टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप लोग आज क्या कर रहे हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और यहाँ पे पॉपीज थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे मम्मी के साथ, तो मैं वो कैप्चर किया है, मज़ा लगा। और ये है मेरा बच्चा जो मॉर्निंग से लगा है खेलने, ये दोनों है उसका दोस्त। सीरियसली गाइज, आज तेज हवा है और मस्त लग रहा था बाहर घूमने में, इसलिए सुबह आज चला गया बाहर मॉर्निंग से। मीन्स आई थिंक 9:30 हो गया होगा उस टाइम, और वो खेलने लगा है। और वो हमेशा लड़कियों के साथ ही खेलता है, मैं हमेशा आपको दिखाती रहती हूँ, उसका फ्रेंड लड़कियाँ ही होते हैं। और अपना किचन सामान लेके वो चला गया है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अभी लंच, बट सुबह का जो ऑयल है वो ख़त्म हो गया था, नीम ऑयल, तो मैं ये नीम ऑयल बना रही हूँ। ये अभी तो स्टार्ट किया है, और बस इसको मिक्स करते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा, क्योंकि ये स्टील का बर्तन है मेरा। और साइड में मैं राइस चढ़ा दिया है, चढ़ाया नहीं, ये नाइट का है, मीन्स हम कल रात को ही राइस खाए थे, तो ये थोड़ा सा राइस ज़्यादा हो गया था, बच गया, तो उसको मैं बस गरम कर रहा हूँ। और यहाँ पे है मेरे पास कुछ मूंग दाल और चावल का भिगोया है, जो मैं थर्सडे को खिचड़ी बनाया था, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो मैं थोड़ा सा रख दिया था इसे, इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। और मेरे पास है ये स्प्रिंग ऑनियन जो मैं बिजाड़ा गई थी थर्सडे को, आपको बताया था सुबह का चेकअप था, डॉक्टर के पास जाना था, उसी रास्ते में से मैं स्प्रिंग ऑनियन, मेथी का पत्ता, ये सब लेके आई ही थी। तो आज मैं सोच रही हूँ मेथी का पकोड़ा ही बना दूँ, और स्प्रिंग ऑनियन का मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी एक छोटा सा रेसिपी। और थोड़ा सा बर्तन है बेसन में जो साफ़ करना है, बस इसको मैं अच्छे से कर दूँ, नहीं तो ये मेरा जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा नहीं तो। और चलिए दिखाती हूँ मैं पकोड़े कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे मैं मिक्सचर जार में डाल दिया है वो चावल और मूंग दाल का मिक्सचर, उसमें एक ग्रीन चिली डाला है, 3 से 4 डाला है गार्लिक, और छोटा सा अदरक, इसको मैं पीस लूँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन लिया है जो पकोड़े में अच्छा लगता है ना, इसीलिए, तो इसको मैं चॉप करके डालूँगी। और थोड़ा सा मेथी का पत्ता, इसके साथ मैं पकोड़ा बनाऊँगी। चलिए आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। आप लोग मेथी का पकोड़ा कैसे बनाते हो प्लीज़ मेरे से शेयर करना। और जो सब्जियाँ मेरे पास रहता है और लगता है कि अरे यार ये ख़राब होने वाला है, तो मैं उसको यूज ही कर लेती हूँ। जैसे स्प्रिंग ऑनियन में अभी ऐसे कुछ नहीं बना सकती, क्योंकि करंट डे टाइम नहीं रहते और नाइट को रहते हैं, इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे लिया, थोड़ा सा पकोड़ा, थोड़ा सा साग बनाया था, वो हो गया। तो यहाँ पे मैं स्प्रिंग ऑनियन को थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ, उसके बाद मेथी का पत्ता भी ऐड कर लूँगी। आधा ही यूज किया है, आधा रख दिया उसको सब्जी बनाने के लिए, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, बस वो पेस्ट बनाया था चावल और जो मूंग दाल का वही ऐड करूंगी। उसके बाद थोड़ा सा बेसन और रेड चिल्ली पाउडर,
ग्रीन चिल्ली मेरा तीखा नहीं रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डालूँगी, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर, नमक, इसके साथ ही मैं पकौड़ा बनाऊँगी। और सूप थोड़ा सा खाया, उसके बाद में बाकी रख दिया था, शाम को ही बना दिया तो करण और मैं मिलकर चाय के साथ पू ले ली। अच्छा लगता है बट सूप ऑयली चीज़ ज़्यादा अभी नहीं खाता है, उसको जैसे आदत छूट गया है उसका। मैं पहले तो देती थी, अभी बहुत कम कर लिया है, तो सूप ये सारा चीज़ नहीं खाता है अभी, बहुत कम कर लिया है। फ्रेंड्स ये है हमारा लंच, आज संडे स्पेशल, मेथी का साग, मेथी पकौड़ा और उसके साथ सलाद। और उसके बाद मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाया, सुबह सो गया था और मैं कर रही थी कपड़े को प्रेस। करण का बहुत सारा कपड़ा था जो मैं प्रेस नहीं किया था, आपको थर्सडे को ही बताया था बहुत सारा कपड़ा है, बट मैं कपड़े को प्रेस नहीं कर पाया और आज मैं बैठ के सारा कपड़ा प्रेस किया है। इसी वजह से मेरा हाथ भी पेन होना स्टार्ट हो गया और वो तो होता है ऐसा। उसके बाद हमारा जैसे रहता है संडे मार्केटिंग, तो हम मार्केटिंग के लिए चले गए, करण भी आ चुके थे। मार्केटिंग हमारा ख़त्म हो गया है, एक होटल है स्टार एंड स्टार होटल स्वागी का, तो यहाँ से बिरयानी पार्सल हो रहा है क्योंकि मेरा मूड ही नहीं हुआ कुछ करने की, तो करण को बोल दिया कि आज कुछ ले आओ, तो बस पार्सल के लिए बैठे अंदर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ बाहर, सो नई आवाज आएगा शायद, और आजा शिवो अंदर है तो वो लेके आ रहे हैं। कमा हमारा संडे रहता है हमेशा मार्केटिंग जो भी चल रहा था, मार्केटिंग खत्म हुआ है बट आज मेरा तब ठीक नहीं, मीन्स मेरा हाथ दर्द कर रहा है प्रेस करके, तो मुझे नहीं मना किया कि मैं आज डिनर नहीं बनाऊंगी, तो आप कुछ ले आओ, बस वो लेके आ रहे हैं। तो चलिए मैं घर जाके आपसे बात करूंगी, और मॉर्निंग से बात नहीं किया था इस वजह से सोचा कि चलिए थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, बट नहीं हो पाएगा। तो मैं जैसे हमेशा नाइट में ही आती हूँ तो आपको क्या दिखाऊँ मंगलगिर, तो यहाँ पे रस बहुत है और आप यहाँ पे ना अच्छे से चल भी नहीं पाओगे कैमरा पकड़ के, तो कैसे चलना। तो सुबह आया था फिर से मुझे बुलाने कि पापा बुला रहे अंदर आ जाओ, क्योंकि मैं अकेली बाहर बैठी थी, अंदर भी कोई नहीं था, बस जेंट्स थे, तो इसीलिए मैं बाहर आ गई थी। और बस हम अंदर गई और वहाँ पे मैं फोटो निकालने के लिए करण के साथ बोली, तो शुभू यहाँ पे मस्ती कर रहा है। और बस ये था मेरा आज का ब्लॉग फ्रेंड्स, इसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया है। और ये है हमारा डिनर, फ्राई चिकन बिरयानी और उसके साइड में कुछ सलाद, कुछ चटनी, और ये चिली चिकन भी आया था क्योंकि मेरे पास मॉर्निंग का दो रोटी था, इसीलिए साइड में कुछ करी लेके आए थे। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग अगर थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, बाय। और यहाँ पे सुबह कर रहे डांस, लूंगी पहन के, लूंगी डांस, बाय।